अगर रहना है आपको स्वस्थ बिल्कुल तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिसिन गुरुकुल। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज हम बात करेंगे खांसी बुखार जुखाम के बारे में। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो हर आदमी को लगी रहती है। आजकल का एनवायरनमेंट इतना दूषित हो चुका है कि इन बीमारियों से आदमी ग्रसित ज़्यादातर रहता ही है। तो आज हम इन्हीं बीमारियों के लिए हम आज कुछ टैबलेट्स लेके आए हैं जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैं टैबलेट्स बता रहा हूँ वो बच्चे ना लें। ये टैबलेट सिर्फ 12 या 15 साल से ऊपर के ही व्यक्ति लें। और अगर आपको ज़्यादा पुराना फीवर खांसी जुकाम है तो कृपया इन दवाओं को ना लें, आप डॉक्टर को दिखाएं तभी लें। फिनारेफ टैबलेट है और इसके साथ है लिबोफेट टैबलेट, जो लिबोफेट्रिन पड़ा होता है। लिबोफेट ना मिले तो एल्फीजेड, मार्केट में ये दोनों टैबलेट आसानी से मिल जाएंगी। इन दोनों टैबलेट को लेकर एक एक सुबह शाम खाने के बाद खाइए। और एक कैप्सूल है A2Z, मल्टीविटामिन होता है। मल्टीविटामिन की कमी से भी शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसके साथ A2Z टैबलेट ले लीजिएगा। इन तीनों टैबलेट को 2 दिन तक खाइए। और अगर आपको ज़्यादा खांसी है तो मार्केट में सिरप मिल जाएगा ब्रोजीट, स्क्रीन पर मैंने मेंशन कर दिया है, इसका फ़ोटो आप इसके फॉर्ड ले सकते हैं। ब्रोजीट ना मिले तो ब्रोजीटक ले लीजिएगा, दोनों बढ़िया हैं। अगर ज़्यादा खांसी है तो इन दोनों टैबलेट्स को खाइए और इस सिरप को 5-5 ml दिन में 2 बार पीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस बीमारी से तुरंत राहत मिलेगी। तो चलिए जाते जाते हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कौन सी टैबलेट थी। फिनारेफ टैबलेट है और उसके साथ है लिबोफेट टैबलेट, ये दिन में 2 बार खानी है। और A2Z टैबलेट है जो दिन में 1 बार खानी है, मल्टीविटामिन होती है। और अगर ज़्यादा खांसी है तो ब्रोजीटक सिरप। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।